आप बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के कस्टमर हैं, आप अभी तक डेबिट कार्ड या तो ले लिए होंगे या तो अभी नहीं लिए होंगे। अगर आपने लिया होगा तो रुपे डेबिट कार्ड इसमें दिया जाता है, अगर आपने नहीं लिया होगा तो भी आप जान लीजिए कि इस बैंक में आपको रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है। तो इस रुपे डेबिट कार्ड के लेने के क्या फायदे हैं, ट्रांजेक्शन की क्या लिमिट है, कितने ट्रांजेक्शन आप इससे कर सकते हैं, अर्थात आप एक दिन में कितने पैसे इसे निकास की कर सकते हैं, चार्जेज कितने काटे जाते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें, यदि आप रुपे डेबिट कार्ड लेते हैं तो आप इससे ट्रांजेक्शन जो कर पाएंगे, वन मंथ में आप मैक्सिमम 5 फ्री ट्रांजेक्शन ही कर पाएंगे, जैसा कि अदर बैंकों का भी रूल है, जिसमें अगर बात करें, अगर आप 5 ट्रांजेक्शन से ऊपर अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो लगभग 12 रुपये से लेकर के 16 रुपये के बीच में आपको पर ट्रांजेक्शन काट लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि आप फ्री ट्रांजेक्शन जो भी यूज़ करते हैं उसके से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं काटे जाते हैं। एक महीने में 5 ट्रांजेक्शन पूरा हो गया उसके बाद तो आपके कभी कभी 11 रुपये, 12 रुपये, 16 रुपये और मैक्सिमम कभी कभी 20 रुपये भी काट लिए जाते हैं। ये अलग अलग वेरी करता है किस किस एटीएम मशीन में जाकर के आप पैसे निकालते हैं, क्योंकि आपको पता होगा बड़ौदा यूपी बैंक का कोई अपना तो खुद का एटीएम मशीन है नहीं, ये बैंक का बड़ौदा जो स्पॉन्सर्ड बैंक है उसी के माध्यम से उसी एटीएम में जाकर के आप पैसे निकालेंगे, तो ये फ्री ट्रांजेक्शन का आप यूज़ कर पाएंगे। रुपए डेबिट कार्ड के बारे में बात करें तो एक दिन में आप मैक्सिमम कितना पैसा आप एटीएम मशीन से निकाल सकते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आप 25,000 रुपये ही कैश विड्रॉल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये रुपए डेबिट कार्ड का ग्रामीण बैंक का रूल है। यदि आप POS मशीन इससे यूज करते हैं, कॉमर्शली कुछ खरीदते हैं, यूज करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो 50,000 पर डे आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आपका रुपए डेबिट कार्ड गिर गया है, यदि आप उसे ब्लॉक कराना चाहते हैं, तो ये सारे नंबर है जिस पर आप कॉल करके अपने रुपए डेबिट कार्ड को ब्लॉक करा सकते हैं। ये आपको बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, वहां से भी आप नंबर को ले सकते हैं। बात करें यदि रुपए डेबिट कार्ड यदि आप ले लेते हैं तो पर ईयर आपको कुछ पर एनम इसको आपको कुछ चार्जेस देने होते हैं, जो कि आपके 110 रुपए से लेकर के 170 रुपए तक होते हैं, जो कि अलग अलग बैंक द्वारा अलग अलग चार्जेस लिए जाते हैं। अगर बात करें ग्रामीण बैंक की तो 110 रुपए प्लस ही आपसे चार्जेस लिए जाते हैं, और ये हर साल वेरी करता है, हर साल अलग अलग रूल आता है और उसमें जो भी चार्जेस लिखे रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो फिलहाल रुपे डेबिट कार्ड के बारे में ये सारी जानकारियाँ थी, कुछ और पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।